यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीएसपी के सदस्यों ने जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसको नहीं पढ़ने दिया, जिसके चलते हंगामा हुआ। बीएसपी की ये मांग है कि जो सरकार है सरकार को बर्खास्त किया जाए। जो आजम खान मंत्री है उन्होंने जो प्रभारी पद से इस्तीफा दिया, उसके अलावा वो मंत्री पद से भी इस्तीफा दे, और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के कुंभ मेले में जो हादसा हुआ उस चीज को लेकर के आज हंगामा चला। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। मौर्य जी, बताइए कि आज पहला दिन था बजट सत्र का, पहले दिन ही हंगामा हुआ, आप लोगों ने अभिभाषण पढ़ने नहीं दिया राज्यपाल को। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पढ़ने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि आज पूरा का पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश की जनता पर कहर बरपा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हुई है। महाकुंभ में सरकार की असफलता बड़े पैमाने पर जगजाहिर हुई है, 500 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, और सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय वहां पर अधिकारियों को क्लीन चिट देने पहुंच जाती है, जिससे आज अराजकता के इस युग में महामहिम राज्यपाल जी के भाषण को सुनने के लिए हम यहां पर चुनकर के नहीं आए हैं। हम उत्तर प्रदेश में की विधानसभा में इसलिए आए हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को हम सदन के अंदर रख सकें। विशेष रूप से महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच हो, और साथ ही साथ जो इसके लिए दोषी लोग हैं उनके खिलाफ दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उनको क्लीन चीट देकर के सरकार अराजक तत्वों को और बढ़ाने का काम कर रही है। आप लोग की जो मांग है, अगर ये मांग पर विचार नहीं होता है तो सदन क्या आगे चल पाएगा? सदन में जो भी प्रदेश के ज्वलंत समस्याएं हैं, हम उन सभी समस्याओं पर विधिवत चर्चा कराने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे।